सीरीज वाले क्वेश्चन दिस हम कॉल लोग इज नाउ कॉम्प्लेक्स बीइंग कर रहे हैं अभी रिकॉर्डेड। बेटा। सीरीज कॉम्प्लेक्स में कहाँ, ठीक गए थे। अरे कॉम्प्लेक्स में सीरीज कहाँ आई थी? मैम कौन सी थे वो क्वेश्चन जिसमें लॉग लग अयोटा लगातार था। कितनी जगह से पढ़ते हो आप तो भारी कंफ्यूज हो रखे हो। हम लोग हाँ कॉम्प्लेक्स में यार थोड़ा आर्गुमेंट डिस्कस कर रहे थे तो उसमें, इसमें हाँ आर्गुमेंट आर्गुमेंट प्रिंसिपल वैल्यू बताई थी आपने हाँ मैंने बताया तो बहुत कुछ था। एक मिनट देखो, हम उलझे कहाँ थे पहले वो बता देती। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था भाई, तुम इसको सॉल्व करो। यूजिंग कॉन्सेप्ट आर्गुमेंट का कौन सा था? टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स वाला, ठीक है? याद आया, फिर तुमने सॉल्व किया तो तुम्हारा आंसर पाई बाय फोर निकल के आया था। पर हम लोगों ने जब ड्रॉ करके देखा था तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में निकल के आया था, तो हमारा एंगल होना चाहिए था -135 डिग्री। तो हम लोगों ने वहां पे थोड़ा सा आइडिया लगाया था भाई, सीधा फॉर्मूला लगाने से गड़बड़ हो रही है। याद आया कुछ? ठीक यस मैम। है, यही प्रॉब्लम थी। देखो आर्गुमेंट का थोड़ा सा ही पढ़ा था हम लोगों ने, मेजर डिस्कस नहीं किया था उस दिन। आर्गुमेंट क्या बताया था मैंने? पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है आपका, वो क्या होता है? आर्गुमेंट, ठीक है? उसमें भी फिर आपने ये देखा था कि आर्गुमेंट मल्टी वैल्यूड फंक्शन, इसकी बहुत सारी वैल्यूज आ रही थी, तो आपको ये पर्टिकुलर आंसर तो होना चाहिए भाई, बच्चा दे दे और वो करेक्ट हो जाए, नहीं तो हर बच्चा अलग अलग आंसर देगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या, सबसे छोटी वैल्यू को उसने क्या बोल दिया? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक बताई थी, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक ले सकते हो? -5 माइनस पाई से पाई, और उसमें भी एक जगह क्लोज था एक जगह ओपन था। पाई पे क्लोज था मतलब पाई इंक्लूडेड था, माइनस पाई इंक्लूडेड नहीं था। इसका रीजन मैंने तुम्हें सिंपल सा दिया था भाई, उन लोगों ने देखा माइनस पाई से घूम के यहाँ तक आओगे, पाई में घूम के यहाँ तक जाओगे, तो नीचे वाला क्यों लेना है जब ऊपर वाले से काम चल रहा है, ठीक है? तो माइनस पाई उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, ठीक है? और फॉर्मूला तुम लोगों को टेन मतलब आर्गुमेंट का मैंने बता ही दिया था भाई, टेन थीटा कैलकुलेट कर लो वाई बाई एक्स, या फिर थीटा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स देख सकते हो। इतना पढ़ा था हमने, ठीक है? अब डिस्कस करें यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है। देखो बेसिकली हमें हर क्वाड्रेंट के लिए ना अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, आर्गुमेंट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट में ना आपको दिख नहीं रहा था, चीज तो हो रही थी लेकिन फर्स्ट में आपको दिख नहीं रहा था। हम लोग सीधा डायरेक्ट सेकंड से स्टार्ट करेंगे एक बार, ताकि तुम्हें चमक जाए कि चीज में क्या हो रही है प्रॉब्लम। डिफरेंट क्वाड्रेंट्स देखो, सपोज मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है? अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? कुछ मैम क्या क्या हो गया। मैं गलती थोड़ा सा लेट हो गया हल्का सा। कल नहीं हुआ बेटा, अभी तक मैंने कल का रिवाइज करवा, मतलब लास्ट क्लास का रिवाइज ही करवाया था। कल अच्छा हाँ अभी स्टार्ट हुआ कोई बस। नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हो? माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्मेट में लिखोगे, यस मैम। ठीक है? रियल एक्सिस नेगेटिव वाली साइड है और इमेजिनरी एक्सिस पॉजिटिव वाली साइड है, तो ये वाला पार्ट नेगेटिव जाएगा, ये वाला पॉजिटिव जाएगा, ठीक है? अच्छा देखो, ये डिस्कस करने से पहले ना तुम एक चीज मान के चलो कि ट्रायंगल के अंदर एक और एंगल हम डिफाइन कर रहे हैं, क्या? अल्फा, ठीक है? एक अल्फा एंगल हमने नया डिफाइन किया है, किसके अंदर? ट्रायंगल के अंदर। अच्छा यहाँ पर देखिए, बताओ यहाँ पर आपका आर्ग्यूमेंट कहाँ बनेगा? ये जो पार्ट है ये आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, यस मैम। ठीक है? यस मैम। यस अच्छा जब आप इस ट्रेंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, मान लो मेरे को टेन अल्फा निकालना है, तो टेन अल्फा निकालने के लिए आप साइड्स की लेंथ लेते हो, तो यहाँ तो नेगेटिव एक्स है, तो मैं यहाँ मोड एक्स की बात कर लूँ ताकि मेरे पास पॉजिटिव आंसर आए। तो अगर मुझे टेन अल्फा निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? वाई बाय अपॉन मॉड एक्स। मोड एक्स करके, ठीक है? जो तुम आंसर निकाल रहे थे ना लास्ट क्लास में भी, जो तुमने निकाला था वो ये निकाला था। अब मेरे को एक बात बताओ, ये तुमने आंसर निकाल दिया, क्या ये आर्गुमेंट है क्या? नो मैम। यहाँ से तुम अल्फा निकालोगे, टेन इनवर्स वाई बाय मॉड एक्स। तुम जो पिछली क्लास में अटके थे ना कि मैम हमारा आंसर गलत आ रहा है, वो इसका निकला था। अब तुम फिगर से देख सकते हो ये आर्गुमेंट है ही नहीं, ठीक है? आर्गुमेंट तो आपका ये है। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा अब? मैम उसको हाँ, -180 माइनस अल्फा। पाई में से अल्फा को माइनस करना पड़ेगा। समझ आई बात? अब आप लोगों को दिक्कत क्यों नहीं हो रही थी जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आ रहा था? मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो देखो आप इसको ज्वाइन करते, ये आपका एक्स आता, ये आपका वाई आता। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना जो अल्फा है वही क्या है आपका? थीटा। यस मैम तो जो आप थीटा और अल्फा निकाल रहे थे टेन। ना वही थीटा का आंसर आ रहा था, तो आप बोल रहे थे आर्ग्यूमेंट यही है।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिक्कत नहीं आई, जैसे ही आपने क्वाड्रेंट चेंज कर दिया दिक्कत आ गई, जो अल्फा था वो थीटा नहीं है, ठीक है। तो थीटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ से आपने सीधा सा देख लिया कि 180 में से आप अल्फा माइनस कर दो, आपका आर्ग्यूमेंट निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा थर्ड में क्या करें, अब सपोज थर्ड में चला गया आपका, इधर आ गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, मैम थीटा माइनस में माइनस से लेंगे। देखो ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अल्फा क्या हो जाएगा, मॉड एक्स, यहाँ पे वाई के आगे भी मॉड लगाना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव वाई होगी, मतलब इमेजिनरी जो एक्सिस है आपकी नेगेटिव साइड होगी। तो यहाँ पर अगर आप टेन अल्फा निकालोगे तो आएगा मॉड वाई अपॉन में मॉड एक्स, ठीक है। अगर अब आपको थीटा निकालना है, थीटा ये हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से देखना थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब पहले पूरा घूम जाओ, माइनस पाई, माइनस पाई के अंदर क्या ऐड कर दो, अल्फा ऐड कर दो, माइनस पाई के अंदर अल्फा ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा, ठीक है। माइनस पाई प्लस अल्फा, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, इन्होंने यहाँ पर वाई के आगे भी मॉड लगा दिया क्योंकि नेगेटिव वाली साइड हम डिस्कस कर रहे थे इमेजिनरी एक्सिस पे, तो वहां पे नेगेटिव पार्ट आता है तो मॉड उसके लिए लगा दिया। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव डिस्कस किया था, एक बात बताओ अगर मैं इसके आगे भी मॉड लगा दूं कोई फर्क पड़ता है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है मॉड भी लगा दिया तो क्या फर्क पड़ता है। बट एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा कि भाई अल्फा निकाला tan इनवर्स मोड y बाय x, यस मोड y बाय x, ऐसे ही आपको इधर भी जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स मोड y बाय x। तो तुम्हें ना इस चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ेगा कि भाई यहाँ हमें मोड x लेना है, यहाँ हमें मोड y लेना है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहना है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा मोड लगाने के बाद। क्लियर हुई, तो जनरल सा फॉर्मूला निकल आया। क्या तुम अब फोर्थ क्वाड्रेंट का बता सकते हो मुझे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होगी? मैम माइनस थीटा होगी ना, मतलब देखो जो अल्फा रहेगी वही उसमें वो ही रहेगा। हाँ बस डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, अल्फा तो देखो ट्रायंगल का एंगल है, इसमें डायरेक्शन तो मैटर नहीं करती, आप पॉजिटिव एक्सिस से नीचे जा रहे हो ऊपर जा रहे हो, ठीक है। लेकिन जो थीटा है उसके आगे तो क्या लगाओगे, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज घूमोगे तो माइनस लगेगा, माइनस थीटा। तो इस केस में माइनस थीटा इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद नहीं रखनी, समझने के लिए थी ये, वैसे याद रख लो तो अच्छा ही है, बुराई तो क्या ही है उसमें। आपको जो मेन चीज याद रखनी है ना, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको देंगे, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है उसमें, टेन अल्फा निकाल लेना। निकाल लोगे टेन अल्फा, यस मैम, टेन इनवर्स मोड वाई बाय एक्स, ये चीज निकल जाएगी। उसके बाद आप क्या चेक करोगे कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, ये तुम सबको चेक करना आता है, ठीक है। अगर मान लो x प्लस आयोटा वाई जैसा नंबर दे रखा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट, फर्स्ट में। अगर मान लो माइनस x प्लस आयोटा वाई जैसा नंबर दे रखा है तो सेकंड में, अगर माइनस x माइनस आयोटा वाई नंबर दे रखा है तो थर्ड में, और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, ठीक है। तो ये देख के साइन देख के तुम पता लगा लो कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम्हारा जो भी अल्फा निकला है क्वाड्रेंट के हिसाब से देख लेना, अल्फा निकाल लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई नंबर है तो थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा ही होगा, सेकंड में क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल्स टू, और थर्ड में क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस अल्फा, और लास्ट में क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। ये चीज तुम्हें याद रखनी है, ठीक है, रख लोगे याद, यस। बोलो तुम्हें समझ आई, अब हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, क्या प्रॉब्लम है इसमें बताओ, अब कोई प्रॉब्लम आ रही है, अब तुम्हारा इसमें क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मतलब तुम्हें ये रीजन पता चल गया कि हम लोगों ने अल्फा क्यों इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्ट जब फॉर्मूला लगाया था तो दिक्कत आ रही थी, ठीक है। हम फॉर्मूला लगा के कुछ और आंसर निकाल रहे थे, उसको ग्राफिकली प्लॉट करके निकाल रहे थे तो कुछ और ही निकल रहा था। फिर हमने देखा कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि थीटा अल्फा के इक्वल ही है, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं हो रही। सेकंड में हमने देखा कि थीटा अल्फा के इक्वल नहीं है, हमें पाई में से माइनस करना पड़ेगा थीटा निकालने के लिए। थर्ड में हमने क्या देखा, अल्फा में माइनस पाई ऐड करना पड़ेगा थीटा तक पहुंचने के लिए, और लास्ट में हमने क्या देखा थीटा इज इक्वल्स टू क्या होएगा माइनस अल्फा। कर लोगे क्वेश्चन, करो एक बार, मैंने एक एग्जांपल लिखा था ना अभी स्क्रीन पे, माइनस वन माइनस आयोटा, यही लिखा था ना मैंने, माइनस वन माइनस आयोटा, जो तुम उस दिन गलत कर रहे थे, एक बार निकाल के देखोगे इससे, yes. निकालो एक बार क्या आ रहा है, चेक करो तुम्हारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है क्या।
माइनस वन माइनस आयोटा। जब भी आर्गुमेंट निकालने की बात हो आंख बंद करते ही पहले क्या निकाल लो, टेन अल्फा। टेन अल्फा कैसे निकालोगे, मोड वाई बाई एक्स कितना हो जाएगा, वन ही हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी गुरुजी का, 45 मतलब पाई बाय 4 गुरुजी का। उसके बाद तुम्हें क्या देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा, थर्ड में। दोनों नेगेटिव है, थर्ड में जाएगा। थर्ड में थीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस पाई बाय 4। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, माइनस 3 पाई बाय 4। यही आंसर चाहिए था, लास्ट में जो गड़बड़ा रही थी अपनी। कहाँ उलझ गए तुम इसमें, तुम्हें टेन अल्फा निकालना था, क्या निकालोगे, रूट 3। तो रूट 3 किस पे होता है, 60 डिग्री पे, पाई बाय 3 पे। तो यहाँ से अगर अल्फा निकालोगे तो कितना निकल जाएगा, पाई बाय 3। सर ये तो हो गया था मैम, टेक्निकली आर्गुमेंट थीटा होता है मैम, तो हाँ, पॉजिटिव एक्सिस के साथ, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल निकालना है, वो थीटा तो नाम दे रखा है हमने। अच्छा मैम, तो हम एंटी क्लॉकवाइज ये भी लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी लेते हैं, क्लॉकवाइज भी लेते हैं। अच्छा जो क्लॉकवाइज लेंगे तो नेगेटिव ले लेंगे, एंटी लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। और अगर थीटा अगर जैसे मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि हमें ना थीटा निकालना है, वो वैल्यू दे रखी है, तो क्या वैल्यू दे रखी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की। हाँ, तो आप अज्यूम कैसे करोगे कि आपका थीटा पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा, क्योंकि थीटा तो चाहे आगे से ले पीछे से ले, अगर वो चक्कर काटेगा 360 ही होगा। नहीं, अज्यूम कैसे करेंगे, मतलब थीटा तो हम अज्यूम कहां कर रहे हैं, हम थीटा को तो निकाल रहे हैं। समझे नहीं आप, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, मान लेते हैं आपकी थीटा की वैल्यू आ जाती है 3 पाई बाय 4, प्लस माइनस नहीं पता, तो आप अज्यूम कैसे करोगे प्लस आएगा माइनस। मान लो तुम्हारे पास एंगल आ गया -300, अच्छा 3 पाई बाय 4 आ ही गया, ये तो पॉजिटिव ही हो गया ना। अगर माइनस आगे नहीं लगा हुआ, दैट मींस तुमने इसको एंटी क्लॉकवाइज ही देखा है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि उसमें माइनस। अगर -300 लिखा हुआ है तो तुम्हें अपने आप चमक गया, इन्होंने एंगल इस तरीके से देखा है ये, ठीक है, यहाँ 300 हो गया सपोज, अच्छा ठीक है, तो ये इस तरीके से देखा है इन्होंने। तो अगर अब तुम्हें मान लो -300 तुम्हारा एंगल आ गया सपोज करो, और ये तुम्हें पता चल गया भाई तुमने इस तरीके से देखा, तो अगर अब तुमसे कोई प्रिंसिपल वैल्यू पूछ ले तो तुम्हें पता है प्रिंसिपल वैल्यू ये होगी, तो तुम कैसे निकाल दोगे, 360 में से 300 माइनस कर दो, 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू वापस समझाना, प्रिंसिपल वैल्यू बेटा कुछ भी नहीं है, छोटी से छोटी वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट की जब आप देख रहे थे लास्ट सेशन में बहुत सारी वैल्यूज निकल रही थी, ठीक है, तो उस चीज से बचने के लिए छोटी से छोटी वैल्यू उन्होंने क्या रख दी, प्रिंसिपल वैल्यू, ताकि बच्चा अगर आंसर दे तो एक ही आंसर दे, नहीं तो 10 बच्चे 10 तरीके के आंसर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 3 आ गया था, उसके बाद ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो सेकंड में लाई कर रहा है, सेकंड में थीटा कैसे निकालते हो, पाई माइनस अल्फा, यहाँ से पाई माइनस पाई बाय 3 कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय 3, ठीक है, कर लोगे। अच्छा देखो ये सिंपल से एक क्वेश्चन नोट करो, सपोज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर इस बार ऐसे दे रखा है 2 माइनस आयोटा, तो अब इसमें कैसे करोगे, देखो पहले तो तुम लोगों को इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, इतना तो थोड़ा सा चल रहा होगा ना दिमाग की, भाई यहाँ पहले सिंपलीफाई करना पड़ेगा, आयोटा वाला पार्ट अलग होना चाहिए, रियल पार्ट अलग होना चाहिए, ताकि फिर मैं वाई बाय एक्स वाली जो तुम अल्फा निकालते हो वाई बाय एक्स करके वो निकालो वहां से, बस यही है इसमें एक इम्पोर्टेंट से, बाकी तो कर लोगे। चलो करो, मेरे को आंसर बताओ इसका। मैम इसके अंदर हमें आयोटा 2 दे रखे, 3 आयोटा दे रखे ना, हाँ, तो ऊपर एक डिनोमिनेटर में, तो हम वाई सपोज उसी वैल्यू को करेंगे जो आयोटा के साथ है, हाँ एक्स प्लस आयोटा या कुछ भी जो आयोटा के साथ होता है ना वो वाई होता है, और जो एक्स के साथ है वो एक्स। तो अगर हम जैसे माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमारा न्यूमिनेटर होगा हम उसको वाई कह सकते हैं, माइनस नहीं, नीचे भी तो है ना आयोटा, तुम अलग अलग तो करो पूरा उसको भाई, एक पूरी क्वांटिटी तुम्हारी है ना, रियल पार्ट होनी चाहिए, ये 2 है, नहीं नहीं 2 इज इक्वल टू माय माइनस आयोटा इनटू 9 प्लस 2 नहीं बेटा, ये जेड है मैम, प्लीज मैम सानो जैसा जेड बनाया करो मैम, नहीं जेड है ये, ठीक है, रियल पार्ट प्लस आयोटा समथिंग यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट, तब तुम इसमें फिर आगे वाई बाय एक्स वाला कॉन्सेप्ट लगाओ ना। वैसे तो देखो अभी आर्गुमेंट की तुम्हें प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगी मैं, अभी उस पे मत जाओ तुम, उसमें भी तुम उसमें तो सीधा ही है, अगर डिवीजन में है तो उसका फॉर्मूला होता है एक अलग, बट अभी इसको तुम बिना प्रॉपर्टीज के भी कर सकते हो, ठीक है।
फॉर्मूले वाला पार्ट एक बार अलग रखते हैं, सारो चीजों में फॉर्मूला घुसाने की जरूरत नहीं होती, जो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट से हो जाए उसमें आप सीधे से करा करो. आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट एक पूरा लेक्चर है आपका. देखो तुम्हारी कोई गंदी सी वैल्यू आ रही हो ना, तुम ऐसे तो निकाल देते हो, तुम्हारे अच्छे अच्छे आंसर आ जाते हैं तो तुम अल्फा निकाल देते हो. तुम्हारी कोई गंदी वैल्यू आ रही हो, मान लो ए बी ए ए आ रही है सपोज कुछ भी, तो उसको अल्फा को ऐसे करके लिख देना टैन इनवर्स ए. ठीक है, चक्रों में मत पड़ना कि क्या वैल्यू आएगी वहां पे, ये चीज तुम्हें अभी आती नहीं है. आप गवार नहीं हो, आप दिमाग ज्यादा लगा देते हो कई बार. बेटे दो लाइन का क्वेश्चन था, कहाँ उलझ गए तुम लोग. काश ये दो लाइन का होता. देखो ये तो क्या, इसको सिंपलीफाई करना है. सिंपलीफाई में तो क्या, अगर कुछ दिमाग में आ भी नहीं रहा तो ब्रैकेट खोल दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो अंदर. क्या हो जाएगा, माइनस नाइन आयोटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर बनेगा. ये बेसिकली कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर वन हो जाएगा. ठीक है, अपॉन में टू माइनस आयोटा. यहाँ तक मेरा हो गया, इसके आगे मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ क्या. अपोन में होता है आयोटा, ये क्वेश्चन तुम कर चुके हो. अपोन में होता है तो क्या करते हो, इसको उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, रैशनलाइज कर दो. तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक की है. ये ठीक लिखा है बच्चे ने जिसने बताया है 11 माइनस 17 आयोटा अपॉन 5. इधर तुमने मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ की है, ऊपर चेक करो एक बार. देखो इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करना है 9 को 2 से, 9 आयोटा का आयोटा से, 1 को 2 से, 1 को आयोटा से. ठीक है, इसको सॉल्व करना. नीचे a माइनस b इनटू a प्लस b वाली आइडेंटिटी लगाओगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनता है. वैसे तो ऐसे बनेगा, देखो ये बनेगा. अब 2 टू द 4 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये मतलब एड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे आ गया आपका 5. ठीक है, ये बनेगा 11 बाय 5 माइनस 17 बाय 5 आयोटा. अब बता दो, चलो अब क्या करते हो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बन गया. ये रियल पार्ट है सपोज, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है सपोज, क्या है ही. तो यहाँ पर कैसे निकालोगे, अब देखो टेन अल्फा क्या होता है, मोड y बाय मोड x, माइनस 17 बाय 5 अपॉन में 11 बाय 5. ठीक है, टेन अल्फा क्या हो जाएगा आपका 17 बाय 11. तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स 17 बाय में 11. ठीक है, अब तुम्हें इसकी वैल्यू नहीं पता, इसको छोड़ दो ऐसे ही. अब तुम ये बताओ कि ये जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कौन से क्वाड्रेंट का है. ये है ना तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आ गया, यहां से तुमने सॉल्व किया तुम्हारा ये निकल गया, ये z की वैल्यू है. तो अब बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में है. फोर्थ में है ये, क्योंकि x वाला पार्ट तुम्हारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल एक्सिस के अलोंग, और इमेजिनरी वाला नेगेटिव में है. ठीक है, तो फोर्थ में कहीं होगा. तो फोर्थ में थीटा क्या होता है, माइनस अल्फा के इक्वल. तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टेन इनवर्स 17 बाय 11. ठीक है, कर लोगे. था क्या इस क्वेश्चन में कुछ, हो जाएगा अब. यस मैम. ठीक है, अब देखो ये आर्गुमेंट का इतना ही था, मतलब अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्टीज वाला पार्ट रह रहा है, अभी वो बाद में कराएंगे. एक बार इतने में किसी को डाउट है तो बताओ, ये क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं है तो गड़बड़ है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, सोच लो फटाफट, किसी को कोई समस्या आ रही हो तो. चले फिर आगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक बार, फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर.
नहीं है मतलब, चलें। देखो यस नेक्स्ट क्या आपका, फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक जो आपने पढ़ी है ना, ये फॉर्म एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कौन सी फॉर्म होती है? कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, इस पे तो हमने लगभग मतलब तीन तीन लेक्चर हो गए ना हमारे, तीन लेक्चर दे दिए हैं इस फॉर्मेट पे। ठीक है, और आई थिंक आप लोगों को सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे इस फॉर्मेट पे बेस्ड कोई आएंगे तो, सिंपल क्वेश्चंस। अब दूसरा क्या है आपका? पॉलर फॉर्मेट। और एक और आप जो पढ़ोगे वो क्या है? यूलर फॉर्मेट। देखो तो ये फॉर्मेट क्यों इंट्रोड्यूस हुए हैं, कई बार क्या होता है क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट आ जाता है, अगर आप सिंपल कार्टेशियन वाले से करने बैठोगे तो बैठे ही रह जाओगे। ठीक है, इनकी हेल्प से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, इसीलिए इंट्रोड्यूस कर रखे हैं। अब पोलर फॉर्मेट में क्या है, यहाँ पर तो आप एक्स और वाई की हेल्प से अपना कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हो, पोलर फॉर्मेट में आप किसकी हेल्प से अपना नंबर लिखते हो? दो चीजें होती हैं इसमें इंपॉर्टेंट, एक तो आर होता है और एक थीटा। अब तुम्हें पता होना चाहिए, थीटा तो तुम्हें पता ही है, देख के पता चल गया क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, थीटा तो है आर्ग्यूमेंट, और आर क्या है? जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसका मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस निकालना आता है ना, अगर मान लो एक्स प्लस आयोटा वाई आपको दे रखा है, मॉड्यूलस कैसे निकालते हो? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो इसको मतलब कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा इजी है। सपोज करो आपका एक नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, इसको तुम एक्स वाई भी लिखते हो, तुमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में। ये वाला x हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका y हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो z आपको दे रखा है x प्लस आयोटा y, तो अगर मैं इसके अंदर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं, ध्यान से देखना, एक तरीका ये है, एक और तरीका भी है इसको समझने का कि हम लोग लिखते कैसे हैं। कोई फर्क पड़ेगा क्या इससे? बाहर निकाल लो, वन बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा, वन ही आ जाएगा, यही नंबर आ जाएगा आपका। ये क्या होता है अभी अभी तुमने पढ़ा है, मतलब अभी अभी क्या पिछले लेक्चर में, मॉड जेड। अच्छा ये क्या चीज है, ट्रायंगल में देख के बताओ, कॉस थीटा, यहाँ होता है थीटा आपका आर्गुमेंट, ये कॉस थीटा है। ठीक है, प्लस में आयोटा, ये क्या चीज है, साइन थीटा, पी बाय एच। ठीक है, साइन थीटा, यही क्या है आपकी पॉलर फॉर्मेट। अब इसमें एक बार ध्यान से देखो, दो ही चीज इंट्रोड्यूस हो रखी है, एक्स वाई तो गायब हो गई, एक तो मोड जेड है जिसको तुम बोलोगे क्या, आर, ये जो बेसिकली डिस्टेंस आपका आर। ठीक है, और दूसरा क्या है, आर्ग्यूमेंट। अगर आपको आर पता है और आर्ग्यूमेंट पता है, आप पॉलर फॉर्मेट में पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हो। क्लियर है ये वाला मेथड? हाँ जी बेटा। मैम मेरा नेटवर्क चला गया था, मैम आपकी स्क्रीन आ नहीं रही है, मैंने दो बार लीव करके ज्वाइन कर लिया मैम, अगर एक बार आप अपनी स्क्रीन रिपेयर कर या फिर मैम स्लाइड चेंज कर सकते हैं या फिर रिपेयर कर लेते हैं, मैम मेरी स्क्रीन आ जाएगी। स्लाइड चेंज कर लो या फिर मतलब एक बार या तो स्लाइड रिफ्रेश कर लीजिए या फिर एक दो स्क्रीन हां मैम आ गई, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो मेरे यहां से आगे पीछे करने में क्या बोलता है मैम, मैं करा था तो मेरा चल नहीं रहा था ना, तो अब मैंने चेंज कर लिया था, तो आप आगे ठीक बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी चल रहा है ना? यस मैम चल गया। अभी ये बताओ ये समझ आ गया, ये मैंने कैसे किया? कुछ भी नहीं किया मैंने, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और मैंने वो फॉर्मेट निकाल दिया। एक तो तरीका है ये, दूसरा भी वैसे तो देखा जाए तो सिंपल ही, अगर मान लो ये थीटा है तो क्या मैं एक्स को आर कॉस थीटा लिख सकती हूँ क्या? एक्स बाय आर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अगर ट्रायंगल में देखो तो ये होता है एक्स आपका यहाँ से यहाँ तक और ये आपका आर है जो मैंने येलो से मार्क कर रखा है, तो बी बाय एच क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर एक्स निकालोगे तो क्या निकलेगा? आर कॉस थीटा। सेम अगर आप वाई निकालोगे तो वाई बाय आर क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा। वाई क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। मतलब ये जो पेयर है ऑर्डर्ड पेयर, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ आर कॉस थीटा आर साइन थीटा लिख सकती हूँ क्या? तो अभी अगर मैंने पेयर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में लिख दिया, नंबर भी लिख सकती हूँ मैं, जब एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर था तो एक्स प्लस आयोटा वाई लिख रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, जब ये ऑर्डर्ड पेयर तो कैसे लिखोगे? आर कॉस थीटा प्लस में आयोटा आर साइन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इसमें से आर कॉमन ले लेना, कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो तुम ऐसे भी पहुंच सकते हो यहाँ पर और तुम ऐसे भी पहुंच सकते हो, दोनों तरीकों से पहुंच सकते हो। क्लियर है, पोलर फॉर्मेट यही है। ठीक है, अच्छा ये देखते ही तुम्हें आइडिया हो जाना चाहिए। अब मान लो तुम्हें कोई नंबर ऐसे दे दे वो, तो इसको देखते ही तुम्हें तीन चीजें पता चल जानी चाहिए, कौन कौन सी? एक तो मॉड्यूलस, एक आर्ग्यूमेंट
और एक इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, मान लो उसने कुछ भी दे रखा है, मान लो 2 cos π/4 + i sin π/4 ऐसे ही दे रखा है, सपोज करो, तो उसको देखते ही पता चल जाएगा उसका मॉडुलस क्या है, जो r की वैल्यू है वो मॉडुलस है। तुम्हें दिख रहा है तो यहाँ r था वो मॉडुलस है, तो वो 2 जो होएगा वहां पे वो मॉडुलस हो जाएगा 2 cos π/4 + i sin π/4, ये दे रखा है। ठीक है, इसको देख के तुम्हें यूं पूछ ले कोई, इसका मॉडुलस बताओ, r की वैल्यू है 2, 2 क्या हो जाएगा मॉडुलस, आर्गुमेंट क्या हो जाएगा जो ये अंदर लिखा हुआ है पाई बाय फोर, ये थीटा ही होता है आर्गुमेंट, ये जो थीटा लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा आपका आर्गुमेंट पाई बाय फोर। कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट के लिए आप क्या करते हो आयोटा के आगे माइनस साइन लगा देते हो, वो इसका क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट। तो मान लो तुम्हें प्लॉट भी करना हो तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा कॉन्जुगेट क्या, आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन। ठीक है, मिरर इमेज तुमने पढ़ा है ना, कॉन्जुगेट एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होती है। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? यस मैम। लेकिन अगर मान लो अब इसमें तुमसे पूछ ले वो कि आर्गुमेंट बताओ, देखो मॉडुलस की वैल्यू तो यहाँ पर भी यही है, अगर मान लो तुम्हें ये दे रखा है इस बार कॉम्प्लेक्स नंबर, प्लस नहीं है बीच में माइनस है, तो इसको देख के मॉडुलस तो सेम है, ठीक है आर जो है आपका क्या हो जाएगा मॉडुलस। ठीक है, लेकिन आर्गुमेंट में प्रॉब्लम आएगी। अब देखो यहाँ से अगर तुम देख पाओ तो मेरे को कोई आर्गुमेंट बता सकता है क्या इसका, चलो मैं एक बार नया ही बना देती हूँ, ऐसे ही तुक्के मत मारो, एक मिनट रुक जाओ भाई। आपका ये वाला था इधर, ये था r cos थीटा प्लस, ठीक है, दूसरा है आपका यहाँ cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इसको ज्वाइन कर लो। मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ, ये तुम्हारा थीटा था तो ये एंगल बताओ माइनस थीटा। ठीक है, माइनस थीटा होएगा ये, वैसे भी देख सकते हो, देखो मिरर इमेज तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट जितना आगे है इमेज उतनी पीछे होती है, तो ये दोनों डिस्टेंस पे इक्वल है, ये 90-90 हो गया और ये भी कॉमन साइड होगी, तो ऐसे ऐसे ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जो एंगल इधर है वही एंगल इधर हो जाएगा। बस फर्क क्या आएगा, इस बार तुम एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हो तो ये माइनस थीटा आएगा बेटा। ठीक है, समझ आई, थीटा नहीं ये माइनस थीटा होएगा। तो इससे तुम्हें क्या पता चल गया, अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा है तो आर्गुमेंट ऑफ, ये कॉन्जुगेट ही तो है इसका, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार क्या हो जाएगा माइनस थीटा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करने को कोई बोल दे तो जीरो आ जाएगा आंसर, आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल्स टू जीरो। क्लियर हुई? ठीक है, तो तुम्हें देखो इतनी चीज पता चल गई, इसमें तो हमें देखते ही पता चल रहा था भाई ये जो थीटा अंदर लिखा हुआ है यही क्या है आपका आर्गुमेंट, लेकिन यहाँ दिक्कत आ गई ना, देखो आ गई कि नहीं, ये तो आपका इस तरीके से लिखा हुआ था, इसको देखते ही तो मैं ये बताती हूँ ये है आर्गुमेंट, बट आपका माइनस थीटा आ रहा है, तो क्या किया जाए, कुछ नहीं करना आपको, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है आपको इस फॉर्मेट में उसको लेके आना है, बीच में प्लस होना चाहिए, आर लिखा होना चाहिए, कॉस थीटा और साइन थीटा होना चाहिए, इसको लेके आ सकते हो इस फॉर्मेट में। अब तुम्हें पता ही चल गया आर्गुमेंट ऑफ जेड बार माइनस थीटा, देख लो यहाँ माइनस थीटा का यूज कैसे कर सकते हो, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती क्या, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस में आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकती हूँ। भाई कॉस माइनस थीटा, कॉस तो माइनस खा जाएगा, कॉस थीटा ही रहना है, और साइन के अंदर माइनस थीटा है, माइनस बाहर आ जाएगा, यही चीज बन जाएगी, लेकिन देखो ये बन गया, ये फॉर्मेट मैच हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो माइनस थीटा लिखा हुआ है ये क्या है 100% आर्गुमेंट। ठीक है, That means, आप इसको देख के बता सकते हो भाई ये आर्गुमेंट है कब, जब ये इस वाले फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हो। ठीक है, कर लोगे अब? Yes. चले आगे बताओ, किसी को डाउट है तो? No, ma'am. अच्छा, आप में से किसी बच्चे को ऐसे भी लगता है कि मेरी स्पीड तेज है? मतलब किसी बच्चे को ऐसा हो रहा है कि मेरी स्पीड तेज है, मतलब सबका एक जैसा नहीं होता ना, कि कोई ऐसे होते हैं जो थोड़ा मतलब टीचर स्लो बोले तो कंफर्टेबल होता है, ऐसा भी है क्या, कोई मुझे बता दो पर्सनली, मतलब कोई है बच्चा तो? शुरू में लगता था, आदत हो गई हम। ठीक है, नहीं वैसे मेरी है थोड़ी ज्यादा, तो किसी को भी प्रॉब्लम होती है ना ये मुझे बता दिया करो,
मेरी है ज्यादा है, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं थोड़ा तेज फास्ट बोलती हूँ। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, एक लिखो आपको क्या क्या निकालना है, मॉड जेड निकालना है और प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। जेड आपको दे क्या रखा है, 6 cos 310 degree माइनस आयोटा साइन 310 degree। अच्छा देखो यहाँ से तुम जब ऑब्जर्व करते हो ना, अभी देखो पीछे और मैम प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ गई मैम 310 degree माइनस 310 degree माइनस 310 degree प्रिंसिपल है, सोच के देखो एक बार। माइनस 310 degree आप ये कह रहे हो कि घूम के आप आ गए इधर, ये बता रहे हो आप एंगल पूरा, इसके अलावा कोई और बेटर ऑप्शन नहीं है? हाँ मैम है तो, है ना, 360 में से उस 310 को माइनस कर दोगे तो बचा हुआ एंगल आ जाएगा ये वाला, ठीक है। हाँ तो वो आपका प्रिंसिपल होगा, मैं यही बता रही हूँ। देखो यहाँ से देख के पहली बात तो तुमको बीच में माइनस दिख रहा है, भाई तुमको पता है कि तुम लोगों को इस फॉर्मेट में इसको लेके आना है, अगर तुम्हें आर्गुमेंट देखना है तो इस फॉर्मेट में अभी अभी हम पढ़ के आए, हम कैसे ले आएंगे इसको, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 310 डिग्री प्लस में आयोटा साइन माइनस 310 डिग्री, ठीक है, यही चीज है ये, क्योंकि कॉस माइनस को खा जाता है और साइन में से बाहर माइनस आ जाएगा तो सेम बन जाएगा। अब आप कंपेयर कर सकते हो, आर की वैल्यू तो सीधी सीधी दिख रही है 6 है। एक और चीज, मॉड्यूलस आर की वैल्यू क्या है, बेसिकली मॉड्यूलस जब तुम सॉल्व करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर का वो ये, तो मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, तो तुम्हें कुछ केसेस ऐसे मिलेंगे, क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पर वो इस आर की वैल्यू को नेगेटिव देगा, तो तुम माइनस 6 दे रखा हो तो उसको ये मत लिख देना कि आर इज इक्वल टू माइनस 6 से, गलत हो जाएगा। आपको कुछ करके उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, या तो उस माइनस साइन को अंदर भेजो, ब्रैकेट के अंदर भेजो, ताकि तुम्हारा आर पॉजिटिव बने, क्योंकि आर क्या है, मॉड्यूलस है, और मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होता है। तुम ये नहीं बोल सकते कि माइनस 6 क्या है तुम्हारा, आर की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ तो चलो ठीक है, आगे करेंगे क्वेश्चन, उसमें नेगेटिव आएगा, देखना एक बार। अच्छा यहाँ पे अब देखते ही तुम्हें पता चल रहा है थीटा क्या है, माइनस 310 डिग्री। ये आर्गुमेंट है बट जरूरी नहीं है ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो आपका, ठीक है। प्रिंसिपल के लिए आपको देखना पड़ेगा, ये तो सिंपल ही दिख गया भाई माइनस 310 डिग्री। अब अभी जो आपका डाउट यहाँ क्लियर हुआ, देखो यहाँ पहले ही नेगेटिव आ गया तो तुम्हें आइडिया हो गया कि ये ऐसे गया है, ठीक है। ये माइनस 310 डिग्री है, मेरे को प्रिंसिपल बताना है तो मैं क्या बताऊंगी, ये जो छोटे वाला एंगल है ये है, 360 में से 310 माइनस कर दो 50 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, 50 प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। जितना हमारा निकला माइनस 360 वही है प्रिंसिपल, माइनस 360 हाँ मतलब पूरा, हाँ पूरे में से वो माइनस कर दो। जानते हो कभी कभार ना मैं सब बोलता हूँ ना और आपका रिएक्शन है तो मेरे को लगता है या तो मैं पागल हो चुका हूँ या फिर सच में आप मेरे सवाल इतने सिली होते हैं। नहीं सिली, तो आप क्या चाहते हो मैं रिएक्शन भी ना दूँ क्या? नहीं आपका रिएक्शन बहुत बुरा होता है। हाँ जी बेटा बोलो क्या कह रहे हो, लास्ट बता दो क्या हुआ लास्ट में। बेटा हम लोगों ने प्रिंसिपल, देखो आर्गुमेंट आपका निकल गया, अगर सिंपल आर्गुमेंट पूछता तो कोई दिक्कत नहीं थी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट अगर आपको निकालना है तो छोटे से छोटा एंगल निकालना है आपको, ठीक है। माइनस 310 डिग्री, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने एंगल को मेजर किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तभी माइनस साइन लगाते हो आप ऐसे मेजर करते हो तो देखो कहां पर आएगा, पूरा घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे तभी 310 बनेगा। ये 270 से मान लो उल्टा चलोगे तो ये माइनस 270, ये माइनस 360 यहां बनेगा बीच में 310। तो मेरे को ये एंगल बड़ा लग रहा है, मुझे प्रिंसिपल निकालना, मैं क्या करूंगी पूरे में से ये पार्ट माइनस कर दूंगी, मेरे को सिर्फ इतना पार्ट मिल जाएगा, ये वाला आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है, क्लियर है? Yes. चलो एक और करो, ये जेड बा ना वो क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इसके बीच में काटा लगा हुआ है, 2 नहीं है ये, माइनस 1 प्लस 2 आयोटा है, इसको आपको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, लिख के दिखाओ एक बार पोलर फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको। पोलर फॉर्म के लिए तुम्हें एक तो आर चाहिए एक थीटा चाहिए, तो दोनों चीजें कैलकुलेट कर लो, दोनों चीजें आती है तुम्हें कैलकुलेट करनी, मॉडुलस भी आता है आर्गुमेंट भी निकालना आता है, और दोनों को पुट कर दो अपनी जो फॉर्म की उसमें। मैम y upon x होता है ना? हाँ y by x. tan inverse y by mod y by x. alpha is equals to tan inverse mod y by. okay मैम. तनीशा तनीशा की दो आईडी है बेटा, दोनों अलग अलग बच्चे हो क्या? दो तनीशा जुड़ी हुई हैं। तो
थीटा नहीं, अभी तो बोला इसको पोलर फॉर्मेट में लिख के दिखाओ। मैम पोलर फॉर्मेट में मैम ऐसे लिखेंगे रूट फाइव ब्रैकेट कॉस फाइव माइनस टेन इनवर्स ऑफ टू एंड मैम प्लस आई साइन और मैम फाइव माइनस टेन इनवर्स ऑफ टू। ये टॉपर भाई, अरे ये तो टॉपर ठीक है, बाकी बाकी कहाँ लग गए, दो ही चीज निकालनी थी इसमें। पिछले आधे एक घंटे से मैं यही गा रही हूँ कि तुम्हें थीटा और ये कैसे निकालना है। आप वापस सॉल्व करके दिखा दो थर्ड क्वेश्चन में। देखो इतना तो क्लियर है, पोलर फॉर्मेट लिखना है, मतलब तुम्हें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। साइन थीटा आई कैप साइन थीटा कॉस। अब इसमें एक तो थीटा अननोन है, ये तुम्हें निकालना है, आर अननोन है। आर मतलब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हो? रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब माइनस वन का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? वन प्लस फोर रूट फाइव। दैट मींस ये हो गई आर की वैल्यू। ठीक है, थीटा कैसे निकालोगे? अब आर्गुमेंट कैसे निकालोगे? आर्गुमेंट के लिए हमने क्या अभी स्टेप पढ़े थे पीछे? tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स एंड मॉडुलस y / x। देखो अल्फा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मोड y, y क्या है आयोटा के साथ जो लिखा हुआ है 2 और x क्या है माइनस वन, माइनस वन चलो लिख लो माइनस वन, मोड ही लेना बाद में। तो ये हो गया टेन इनवर्स टू, ये आ गई अल्फा की वैल्यू। इसके बाद आप क्या देखते हो, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है? ये सेकंड में है। सेकंड में आर्गुमेंट किसके इक्वल होता है? पाई माइनस अल्फा। थीटा क्या हो जाएगा? पाई में से ये टेन इनवर्स टू, ये अल्फा की वैल्यू माइनस कर दो, ये आपका क्या होगा? हाँ बेटा बोलो। थीटा निकल गया, थीटा निकल गया, समझ आ गया क्या? आर निकल गया, थीटा निकल गया, बस पुट करना है इसमें। देखो रूट फाइव इसमें पुट कर रही हूँ मैं, रूट फाइव यही आ जाएगा। देखो जो बच्चे ने बताया था कॉस पाई माइनस टेन इनवर्स, इसको थोड़ा सा और भी लिख सकते हो प्रतीक आगे तुम, कॉस पाई माइनस थीटा यूज करके पाई माइनस टेन इनवर्स, इसको थोड़ा सा और ढंग से लिखना। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लाया किया? सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लाया गया? सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, अच्छा तुम सिंपल भूल जाओ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, यहां पर अगर x और y पूछने होते हैं तो x और x y दोनों पॉजिटिव होते हैं। इधर x नेगेटिव y पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव y नेगेटिव, इधर x पॉजिटिव y नेगेटिव, सेम केस। रियल और इमेजिनरी को दोनों को अलग अलग करके देखा कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। मेरे को ये देखना है रियल पार्ट, ये नेगेटिव वाला है, दैट मींस ये नेगेटिव रियल एक्सिस पे है, और ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे है। तो ये वाला क्वाड्रेंट हो गया। प्रतीक भाई आ गया ना? ठीक है, ये हो गया रूट फाइव कॉस 180 माइनस थीटा। क्या होता है कॉस 180 माइनस कॉस थीटा? माइनस कॉस, माइनस कॉस टेन इनवर्स टू हो गया। अच्छा साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है, तो ये हो गया साइन टेन इनवर्स टू। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर होगा। क्लियर है? यस मैम। ये थे बेसिक क्वेश्चंस पोलर फॉर्मेट पे। अभी एक जो लिख रही हूँ ना उसमें तुम्हें बहुत जोर लगेगा, लिखो एक बार। क्या मैम? क्वेश्चन लिखो उसको, तुम्हें मतलब आर और आर्गुमेंट की वैल्यू बतानी है। एक तो आर बताना है मतलब मॉडुलस, और आर्गुमेंट मतलब थीटा बताना है। लिखो वन प्लस कॉस सिक्स पाई बाय फाइव प्लस में आयोटा साइन सिक्स पाई बाय फाइव। तुम्हें अब क्या करना है, तुम्हें पहले तो आर और आर्गुमेंट ऑफ थीटा लेने के लिए इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस फॉर्मेट में इसको कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ? वन प्लस कॉस थीटा दिख रहा है? वन प्लस कॉस थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, पढ़ा होगा तुमने ट्रिगो में। वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, तुमने बेसिकली वैसे ये पढ़ा होगा वन प्लस कॉस टू थीटा। ठीक है, तो मैंने वहां पे टू थीटा की जगह थीटा कर रखा है, तो एंगल हाफ होता है, तो थीटा बाय टू हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे। इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ टू कॉस स्क्वायर थ्री पाई बाय फाइव। बताओ ये समझ आया? ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके
अरे बोलो, एंगल का हाफ कर दिया, एंगल का हाफ करोगे तो 3π/5 हो जाएगा और 2 cos² तो आगे है ही। अच्छा एक प्रॉपर्टी तुमने ये भी पढ़ी होगी, साइन 2θ इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 sin θ cos θ सेम होता है जब ये हो गया 2 sin, अगर मैं ये यहाँ लगाऊं कितना हो जाएगा 3π/5 cos 3π/5 बताओ, बस ये इंपॉर्टेंट स्टेप था इसमें। अब तो तुम लोगों को दिख रहा है कॉमन क्या आ रहा है, cos 3π क्या आ रहा है, 2 cos 3π/5 कॉमन आ रहा है ना, 2 cos 3π/5 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा cos 3π/5 प्लस में iota sin 3π/5, तुम्हें दिख रहा है ये थोड़ा थोड़ा मैच होने लग गया, थोड़ा थोड़ा हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। अब जो मैं तुम्हें बता रही थी ना कि r नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अब आएगी देखो, एक बार बताओ ये जो वैल्यू है जनरली बच्चे क्या करेंगे, r लिख देंगे ये, भाई कंपेयर तो कर ही सकते हो अब इन दोनों को, देखो r into में cos theta plus iota sin theta बन रहा है यहां पे, तो बच्चे क्या करेंगे r is equals to 2 cos 3π/5 जो कि क्या है, गलत है। क्यों है गलत, मुझे कोई रीजन दे सकता है? अरे इतना तो मैंने बता दिया है, नेगेटिव है, नेगेटिव कैसे बन रहा है ये, cos 3π/5 नेगेटिव होता है क्या, कौन से क्वाड्रेंट में गया ये एंगल 3π/5? बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया मैंने। सेकंड में गया, तो सेकंड में cos नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, इसका मतलब चमक गया ये चीज जो है लिखी हुई नेगेटिव है, और तुम बोल रहे हो कि r के इक्वल है, r पॉजिटिव होता है। मैम एक बार फिर बता दो। क्या बताऊं बेटा? मैम ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया मैम, थोड़ा सा शुरू से ही नहीं आया क्या? हां मैम तो शुरू से तो मैंने इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी लगाई है, मेरे को ये जो लिखा हुआ है इसको कुछ r cos theta plus iota sin theta के सिमिलर बनाना है। मुझे दिख रहा है भाई 1 cos θ, मैं फॉर्मुला लगा सकती हूँ यहाँ पर, ये वाला 2 cos²θ/2 मैंने फॉर्मुला लगा दिया, 2 cos²θ/2 करोगे तो 6π/5 का आधा करोगे तो 3π/5 बनेगा, प्लस यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्मुला लगाया है साइन 2θ का, साइन 2θ होता है 2 sin θ cos θ, ठीक है, यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, साइन 2 × 3π/5 एक ही बात है, 6π/5 हो जाएगा, तो तुम्हें दिख गया अभी फॉर्मूला साइन 2θ 2 sin 3π/5 cos 3π/5, ये फॉर्मूला लगाया है। इसके बाद मेरे को दिख रहा है cos 3π/5 इधर भी है और इधर भी है और 2 इधर भी है इधर भी है, मैंने कॉमन ले लिया 2 cos 3π/5, अंदर सिर्फ इतना पार्ट बच गया cos 3π/5 प्लस iota sin 3π/5, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि ठीक है ये फॉर्म ऐसी बन तो गई, r भी तुम्हें दिख रहा है, अंदर आर्गुमेंट भी दिख रहा है, लेकिन r जो दिख रहा है वो r है नहीं, क्योंकि ये जो चीज है ये नेगेटिव है, यहाँ जो ये r लिखते हो ये पॉजिटिव होता है क्योंकि ये मॉड्यूलस है और मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि ये जो चीज है बाहर ये पॉजिटिव बने और मैं उसको बता पाऊं भाई ये r की वैल्यू है। अभी समझ आया? ठीक है बताओ करें क्या। अच्छा 3π/5 को तोड़ के तो लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो 3π/5 को, पाई माइनस 2π/5 होता है, ठीक है अंदर भी कर लो, पाई माइनस 2π/5 प्लस आयोटा साइन पाई माइनस 2π/5, ठीक है। कोस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा सॉरी माइनस कोस थीटा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, माइनस कोस 2π/5, ठीक है। कोस 180 माइनस थीटा यहाँ पर भी सेम, माइनस कोस 2π/5 और यहाँ क्या हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, पॉजिटिव ही आता है ये तो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। इस माइनस को ले जाओ अंदर, एक बात बताओ बाहर सिर्फ ये बच गया, ये जो माइनस तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करा था ना बाहर निकाल लिया मैंने, अब तुम अगर देखोगे ना इस पार्ट को ये क्या आना है तुम्हारा, पॉजिटिव आना है, चेक करो cos 2π/5 पॉजिटिव होता है क्या, ये माइनस में अंदर लेके जा रही हूँ 2π/5 माइनस आयोटा साइन 2π/5 बन गया पॉजिटिव बाहर वाला, बताओ बना कि नहीं? Yes, ma'am. कितना होता है 2π/5? सेवेंटी टू डिग्री होता है, तो 72 डिग्री आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, मतलब ये जो भी बाहर लिखा हुआ है ये आपका क्या है, पॉजिटिव है, बोल सकते हो अब आराम से कि r की वैल्यू क्या है। अच्छा एक चीज और,
बोल तो दो यही आएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो अभी भी कोई दिक्कत आ रही है क्या? देख देख के बताओ एक बार, क्या समस्या आ गई? अब आई तो है कुछ आर्गुमेंट में आएगी दिक्कत, क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है। मैंने बोला था अगर बीच में प्लस नहीं है तो तुम ऐसे डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते कि 2π/5 आर्गुमेंट है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्लस लाना पड़ेगा। अब प्लस कैसे लाओगे? प्लस ले आओ, इसको अंदर ले लो। cos 2π/5 तो एज इट इज है, इसको ऐसे लिख दूं क्या? -2π/5 प्लस आयोटा साइन -2π/5 लिख सकती हूँ। तो प्रॉब्लम है, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, यही बन जाएगा। अब कर लो इसको कंपेयर, ये आर की वैल्यू है और आर्ग्यूमेंट क्या है? -2π/5 हो जाएगा। यस मैम, हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ऐसा ही देना पड़ेगा क्या? तुम तो बैठ गई चुपचाप। अच्छा एक चीज मैंने मिस कर दी, देखो ये तो ठीक है, इसमें किसी को डाउट है बताओ एक बार फटाफट। नो मैम, एक चीज मैंने मिस क्या कर दी? वैसे तो तुम लोग पढ़ चुके हो आर्गुमेंट। देखो मिस ये कर दी कि अगर कोई नंबर रियल एक्सिस पे ही आ जाए पॉजिटिव साइड में, तो उसका आर्गुमेंट क्या होएगा? मैम नॉट डिफाइंड वन, नहीं इसका तो जीरो होगा बेटा। इफ जेड लाइज ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस, इसका क्या हो जाएगा आर्गुमेंट? जीरो। अगर मान लो इधर लाएगा, इसका एग्जांपल भी ले सकते हो आप, थ्री ले लो सपोज, ठीक है थ्री ले लो या रूट थ्री ले लो, कुछ भी ले लो जिसमें आयोटा वाला पार्ट ही नहीं है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल आप सोल्व करके भी देख सकते हो, बेशक घर बैठ के कर लेना, खुद एग्जाम्पल लेना जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, उसका अल्फा निकाल के देखना, जीरो आएगा, ठीक है। अच्छा जीरो आएगा, ठीक है। अगर आपका पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे है, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, तो कितना हो जाएगा? अल्फा मतलब कोई नंबर इस लाइन पे है तो ये तो 90 बना रहा है पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, 90 हो जाएगा। एग्जाम्पल सपोज आयोटा ले लो, आयोटा इसी के ऊपर लाया करेगा, रियल पार्ट है ही नहीं, ठीक है। तो उसका जब तुम एंगल निकालोगे 90 डिग्री आएगा। तो अब मेरे को बता दो अगर इधर कोई नंबर लाया करा तो उसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा? 80। हाँ पाई हो जाएगा 180। और अगर मान लो इधर ही कोई लाया कर रहा है फिर -90। -90 डिग्री, तो ये कर लोगे ना, बेसिक था ये, छूट गया था। यस मैम, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो जो मैंने कराया ना वैसा ही है, एक बार लिखो। 1 cos 8π/5 प्लस आयोटा साइन 8π/5, आपको क्या निकालना है? ये जेड आपको दे रखा है, आपको मॉड्यूलस निकालना है और आर्गुमेंट। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डाटा चेंज है। करो एक बार ट्राई फटाफट, थोड़ा सा फास्ट करना। एक यूलर फॉर्मेट और रहता है, वो भी कवर कराऊंगी आज, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा अपना सिलेबस, हम ऑलरेडी बहुत स्लो चल रहे हैं। या इसको होमवर्क दे दूं? होमवर्क दे दो मैम। सेम है, 6π/5 की जगह 8π/5 है, तुम्हें इतना तो पता चल गया। इसमें दो तो तुम प्रॉपर्टी लगाओगे, एक तो 1 cos 2θ वाली और एक sin 2θ वाली प्रॉपर्टी लगाना। उसके बाद देखना इसमें भी तुम्हारा बाहर ना नेगेटिव कुछ आएगा, उसको कन्वर्ट करना, ठीक है। सेम है बेटा ये, एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। और एक और लिख लो होमवर्क के लिए, ये भी अच्छा है, आपको एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म, मतलब आपको पोलर फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है इसको, 1 + 7i अपॉन में 2 - i का होल स्क्वायर, ठीक है। एक और लिख लो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए, ये करके देखना ट्राई, अगर ये कर पा रहे हो ना मतलब आज के लेक्चर का फायदा है, पढ़ने का अदरवाइज फायदा नहीं है। आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है। आसान तो है मैम, सबसे पहले 1 - 2i का स्क्वायर लेंगे, फिर उसको रैशनलाइज कर देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी। ये इजी है, ये इजी है, ये वाला अच्छा है जो आप दे रहे हो। अच्छा ये बगल लेफ्ट वाला या राइट वाला? अच्छा ये तो फिर मैं तुम्हें यूलर फॉर्मेट कराऊंगी। चलो मैं ये जो अभी करा रही लिख रही हूं ना व्हाइट में, ये मैं करा ही दूंगी अभी, ये तो मैंने अभी तुम्हें बताया। आज पार्सल मत किया करो यार, पहले दिमाग को अरेंज करो कि मैम मुश्किल क्वेश्चन देंगे, दिमाग तेरे को मेहनत करनी है, फिर मैं मसा। क्या हो गया अभी, ये क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। किस तरीके से आपको उसको सिंपलीफाई करना है, सेम है, और ये ऊपर वाला तो जस्ट सेम ही कराया, 6π/5 था, कुछ कीजिए, कर लोगे ना इसको। देखो अब ये था आपका पोलर फॉर्मेट, नेक्स्ट क्या है आपका,
यूलर फॉर्मेट। अब इसमें क्या है, देखो पोलर फॉर्मेट में आर और थीटा का यूज था, यूलर फॉर्मेट में क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिख देंगे। किसमें लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में। वैसे तो तुम लोगों को डायरेक्टली याद करने को ही बोला जाएगा कहीं जाओगे तो, क्या कि ये जो आपने लिखा था ये यूलर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आर ई की पावर आयोटा थीटा, ये याद करने को बोला जाएगा। जिसमें अब आपको दिख रहा है कि ये e की पावर आयोटा थीटा बेसिकली देख देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, इस चीज की वैल्यू है, r तो एज इट इज लिखा हुआ है, ये चीज है, ठीक है। अभी i कहां से है ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, वैसे तुम लोगों के लिए अभी जरूरी नहीं है कि i कहां से है, अभी तुम लिमिट्स वाला चैप्टर पढ़ोगे ना उसमें तुम एक्सपेंशन पढ़ोगे कुछ, और ये तुम्हारा कांस्टेंट है। हां तो मैम यूलर नंबर देखो तुम बोलो, हम जैसे हां जी बेटा r cos थीटा प्लस i sin थीटा इज इक्वल टू r e की पावर i थीटा है, तो हमें e की वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन में गिवन होगी, e की वैल्यू आपको कहीं नहीं गिवन होगी ना ही आपको कभी पुट करनी है। आप एक बार सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन कराऊंगी तब समझ आएगा, कहीं पुट वुट नहीं करनी अभी, जय 2.7 जो भी तुम लिखते हो नहीं करनी पुट, ठीक है। देखो अब एक बार आपको इससे जाना है इसमें और इससे जाना है इसमें, बस इतना ही है इनमें क्वेश्चन में, वैल्यू पुटिंग का कोई सीन नहीं है। अब ये देख लो एक बार ये चीज आई कहां से, देखो तुम जब लिमिट्स वाला चैप्टर पढ़ोगे या ग्रेजुएशन में जाओगे तो वहां पर एक्सपेंशन आपको कराई जाएंगी, डेरिवेशन होते हैं उसकी बड़ी बड़ी, तो वहां से आपको पता चलता है भाई e की पावर x को आप पॉलिनोमियल फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ये चलता जाता है। नेक्स्ट स्टेप आपको, नेक्स्ट टर्म आपको पता क्या आएगी, x 4 by 4 फैक्टोरियल, फिर आएगी x 5 by 5 फैक्टोरियल, चलता जाएगा, ठीक है। सेम आप sin x को भी लिख सकते हो पॉलिनोमियल फॉर्मेट में, कैसे ध्यान से देखना, sin x और cos x में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, यहाँ पर तो है ऑड पावर्स आपकी, ठीक है, और चलता जाएगा, और cos x में आपकी क्या है, इवन पावर्स है, स्टार्ट होएगा आपका 1 से। वैसे तुम्हें जरूरत नहीं है इसकी, बट देख लो कई बच्चों को होता है ना कि मैम आया कहां से है, है क्या तुम में से कोई ऐसा? Yes, ma'am, होना मैं। ठीक है, ये है इन फंक्शंस का पॉलिनोमियल इक्विवेलेंट है जो मैंने राइट में लिखा हुआ है, ये फंक्शन और जो राइट वाला सॉल्व करोगे सेम वैल्यू आनी है। अच्छा यहाँ पर अब आपको देखनी है कि e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो भाई e की पावर आयोटा थीटा आप निकाल सकते हो, x की जगह क्या पुट करना है, आयोटा थीटा करना, एक बार राइट में पुट, 1 प्लस आयोटा थीटा प्लस में आयोटा थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस में आयोटा थीटा की होल क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, इतना काफी, एक बार देखो इतने में चमक जाएगा। इसको एक बार सिंपलीफाई करो थोड़ा, क्या आ रहा है, 1 प्लस आयोटा थीटा प्लस में ये कितना बनेगा यहाँ से, माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, आयोटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, माइनस थीटा स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा ये कितना बनेगा, आयोटा क्यूब होता है आयोटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा थीटा क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, थोड़ा सा और लिख लो आगे ताकि तुम्हें और थोड़ा सा आइडिया रहे क्या कर रहे हैं हम। इसको और बताओ, आयोटा 4 1 हो जाएगा, ये थीटा 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे तुम्हें दो टाइप की टर्म्स दिख रही होंगी, एक तो ऐसी जो जिनमें आयोटा नहीं है और एक ऐसी जिनमें आयोटा है, दिख रही है, आयोटा वाली को अलग कर लो, चलती जाएंगी टर्म्स बहुत सारी हैं, और रियल वाली जो तुम्हें खाली नंबर दिख रहे हैं उनको अलग कर लो, करो एक बार देखो, यही दिख रहे हैं, आगे भी चलोगे मान लो ये भी है, 1 प्लस 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरीके से आपको आयोटा वाली मिलेंगी टर्म्स, आयोटा कॉमन ले लेना उसमें से, अंदर क्या बचेगा, देखो थीटा थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल थीटा, यहाँ गड़बड़ किया ना मैंने, माइनस आएगी, यस, थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और चलता जाएगा। तो तुम्हें ये देख के पता चल रहा है कि क्या है भाई, अगर कॉस एक्स में एक्स की जगह थीटा पुट कर दो तो क्या ये 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 बाय 4 फैक्टोरियल, यही तो बन रहा है, ये बेसिकली कॉस थीटा की वैल्यू है, एक्स की जगह थीटा पुट करो, और ये जो वैल्यू है ये किसकी है, x की जगह तुम थीटा पुट कर दो साइन वाले में, तो क्या बनेगा, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ये दो टर्म्स लिखी है, आगे भी आएंगी, यही बनेगा आगे, ठीक है। तो ये बेसिकली यहां से निकल के आया है, यहां से जब मैंने कंपेयर कर लिया तो भाई e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू मेरी क्या निकल गई, ठीक है, क्लियर है, कर लोगे आप इसको,
भूल जाओ इसको, अब जो मैंने बताया ये याद रखना, यूलर फॉर्मेट में कैसे आप लिखते हो, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा किसके इक्वल होता है, r e की पावर आयोटा थीटा, जिसमें ये वाला जो पार्ट है ये क्या है आपका, e की पावर आयोटा थीटा। तो अगर तुम्हें कोई ये दे दे, इसमें देख के बता सकते हो मॉडुलस क्या है, r ये मॉडुलस था, यही ये कहीं चेपा हुआ इधर, और थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट है कि नहीं है? Yes. ठीक है, और मान लो तुम्हें वो ऐसे दे दे, 2e की पावर आयोटा पाई बाय 4, 2e की पावर आयोटा पाई बाय 4, तुम इसको पोलर फॉर्मेट में लिख के बता सकते हो मुझे? अब मैं तुम्हें राइट से लेफ्ट में जाने के लिए बोल रही हूँ, पहले तुम लेफ्ट से राइट में जा रहे थे। 2 तो क्या है, r है, e की पावर आयोटा पाई बाय 4, e की पावर आयोटा थीटा होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, तो e की पावर आयोटा पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या है पाई बाय 4 प्लस में आयोटा sin पाई बाय 4। ठीक है, आपको ये दोनों लिखने आने चाहिए, जब तक आपको इसमें आप कंफर्टेबल नहीं होगे ना तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। ठीक है, अच्छा अगर मान लो, हां जी बेटा सर बताओ, मेरे को यूलर फार्मूला समझ नहीं आया, फॉर्मेट सॉरी समझ नहीं आया, क्या तो है मैम इसके अंदर ई भी आ गया, फिर इसके अंदर आपने स्प्लिट भी कर दिया, फिर आपने कहा कि पावर स्प्लिट क्या कर दिया मैंने, ये देखो ना आपने 1 माइनस आयोटा थीटा स्क्वायर बाय 2 आयोटा ऐसे से, ये तो बेटा मैंने तुम्हें सिर्फ समझाया है भाई, बच्चे यूं बोलते हैं मैम आपने ये डायरेक्टली इसके इक्वल क्यों लिख दिया, ये पार्ट जो राइट हैंड साइड में कर रखा है ना ये काम का नहीं है, आपके काम का ये सिर्फ इसलिए बताया था मैंने कि भाई कुछ बच्चों को अगर ये डाउट आ रहा है कि मैम ने ये चीज डायरेक्टली इसके इक्वल कैसे लिख दी, बस उस पर्पज के लिए बताया था आपको। अगर यूलर फॉर्मेट में ध्यान रखना तो क्या ध्यान रखना है, पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा किसके इक्वल होता है, e की पावर आयोटा थीटा के इक्वल। ठीक है, ये मैंने प्रूव करके दिखाया था पीछे, लेकिन आपको जरूरत नहीं है वो याद रखने की। अगर ये चीज e की पावर आयोटा थीटा के इक्वल है तो अगर मैं ऐसे लिख दूं cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, r इनटू e की पावर आयोटा थीटा के इक्वल हो जाएगा, भाई r से उसको मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, r से राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें क्या नहीं समझ आया विजय? अब मैं तुम्हें ये बता रही हूं कि अगर तुम्हें नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भाई इस फॉर्मेट में अगर दिया होता है तो तुम समझ जाते हो, अब अगर वो इस फॉर्मेट में ही दे दे तुम्हें यूं दे दे लिख के, तो तुम्हें लिखना आना चाहिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है। अब ये कैसे लिखोगे, तुम्हें ये लिखना आना चाहिए कि ये राइट से लेफ्ट में कैसे जाते हैं, देख लो अब कैसे जाते हैं, जो 2 लगा हुआ है बाहर वो r की वैल्यू है, मॉडुलस की वैल्यू 2 इनटू में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा लिखते हो, ये जो थीटा है वही थीटा होता है जो अंदर कॉस के साथ और साइन के साथ लगा होता है, तो क्या हो जाएगा कॉस पाई बाय 4 प्लस में आयोटा साइन पाई बाय 4, ये मतलब है इसका, समझ आई? अगर मान लो ई की पावर पाई बाय 4 लिखा हो ना तो इसको तुम कुछ भी नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, आयोटा है ऊपर उसके साथ तो ही लिख सकते हो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब बताओ अभी जो क्या डाउट आ रहा है, अब आपने डायरेक्ट कर दिया, अब क्या डाउट है, मेरे को बस छापना है, ये रुक जाओ, डायरेक्ट क्या कर दिया, मैं पहले ड्राइव कर रही थी तुम्हें वो भी नहीं समझ आ रहा था, नहीं अब आ गया, आ गया आ गया, पक्का वाला आ गया। अगर अब कॉन्जुगेट लिखने को बोले तो इसका कॉन्जुगेट लेफ्ट हैंड साइड में तो तुम्हें लिखना आता है, क्या होता है r cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, तो राइट में भी लिख दो आयोटा की जगह क्या लगाना है, यही तो लगाना है। ठीक है, तो इसको तुम ऐसे लिखते हो और इसको तुम ऐसे लिखते हो, अब ये भी ध्यान रखना। ठीक है, वैसे तो तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें पता है भाई आयोटा के आगे माइनस लगाना है, बट फिर भी इस फॉर्मेट को तुम इसमें लिखते हो एक माइनस आ जाता है आयोटा के आगे, याद रखना इसको। ठीक है, ये था आपका यूलर फॉर्मेट। अच्छा, ये बहुत ज्यादा काम का है, अब तुम एक मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना आगे, ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को 2 लाइन का बना देगा, मतलब तुम देखोगे करते टाइम देखेंगे वो। तो अभी एक और चीज है इसमें, वो नोट कर लो, एक होती है तुम्हारी यूलर आइडेंटिटी, कुछ नहीं करना होता इसमें, थीटा की जगह क्या पुट कर दो, पाई पुट कर दो, थीटा की जगह पाई पुट करो भाई, इसमें करना पुट, देखो कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, तुम्हें पता है क्या होता है, ई की पावर आयोटा थीटा होता है, अब थीटा की जगह अगर तुम पाई पुट करोगे तो क्या बनेगा, कॉस पाई क्या होता है, माइनस वन, ऑड मल्टीपल है, और साइन पाई तो जीरो ही हो जाना है, ये हो गया ई की पावर आयोटा पाई, यहां से तुम्हें क्या पता चल गया e की पावर आयोटा पाई की वैल्यू क्या है, माइनस वन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो e की पावर आयोटा पाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यही तुम्हारी क्या है, यूलर्स आइडेंटिटी। ठीक है, कर लोगे तो आसान है, थीटा की जगह पाई पुट करना है बस, अब ये काम बहुत आता है,
कई बार तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जहां पे, अभी देखो नेक्स्ट कराई देती हूँ, सेम ही है। चलूं क्या एक बार आगे, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम। बाकी बच्चे तो ऐसे बैठे रहते हैं जैसे, तो नो मैम, नो डाउट, नो डाउट, क्या ही मैंने कथा सुना दी। नहीं मैं उसमें कथा नहीं कहूंगा, मेरे को थोड़ा, मेरा दिमाग थोड़ा स्लो काम करता है तो मेरे को असिमिलेट करना पड़ता है, फिर समझना पड़ता है कि आपने बोला क्या है। अभी जो बेटा मैंने तुम्हें बाकी जो बताएंगे ना उससे डबल खोल के बताइए चीज, उसमें तुम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील कर रहे हो, तो मुझे लगता है आपको डायरेक्टली चीजें ज्यादा समझ आती है, मतलब मैं ज्यादा अगर समझाती हूँ ना तो आपको प्रॉब्लम होती है। छोटे में काम हो सकता है, तो मैं इतना लंबी कहानी क्या याद रखे रखूंगा, देखो ऐसा लगता है। वो तो इसलिए बताइए ना क्योंकि सब बच्चों का ऐसा नहीं होता, कुछ बच्चों के अंदर वो होती है कि भाई यहाँ जानना है, आई कहाँ से है, तो वो यूं जज करने लग जाते हैं, टीचर बताता नहीं। उस पॉइंट को कवर करने के लिए सभी बच्चों को कंसिडर करना पड़ता है ना, मुझे तो आपको नहीं कर सकती मैं कंसिडर, बस इसलिए मैंने थोड़ा खोल के बताया था, अदरवाइज मेरा काम तो बहुत हल्का हो जाता, 5 मिनट बन जाते मेरे। चलो देखो क्वेश्चन है आपका, एक माइनस टू, ये टू लिखा हुआ है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, आपका जेड लिखा हुआ है, ई की पावर आयोटा माइनस पाई बाय थ्री, आपको मॉड्यूलस निकालना है और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालना है। करो एक बार, खुद ट्राई करो एक बार। देखो देखो आपने जो फॉर्मेट पढ़ा था वो ये पढ़ा था, यही पढ़ा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये पॉजिटिव होता है, इतना सबको पता चल गया मॉड्यूलस है, लेकिन यहाँ तो माइनस टू लिखा हुआ है, दिक्कत आई, तो बेसिकली माइनस हटाना पड़ेगा क्योंकि मैं डायरेक्टली तो बोल ही नहीं सकती ये आर की वैल्यू माइनस टू है, बोल सकती हूँ क्या, नहीं बोल सकती अगर मुझे कंपेयर भी करना हो तो। ये माइनस हटाने के लिए अभी जो पीछे यूलर्स आइडेंटिटी पड़ गया है ना वो काम आएगी, माइनस वन की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, पीछे देखो पड़ी है ये री, माइनस वन की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ई की पावर आयोटा पाई, आयोटा पाई, तो देखो इसको तो ऐसे लिख देना माइनस, सॉरी टू लिख लो इनटू में माइनस वन, और ये एज इट इज पढ़ा रहने दो एक बार, इसको मैं लिख सकती हूँ ई की पावर आयोटा पाई इनटू में ई की पावर आयोटा माइनस पाई बाय थ्री। अब बेस सेम है, ऐड हो जाएंगी पावर्स, ई की पावर क्या हो जाएगा, देखो आयोटा तो चलो पूरा ही लिख देती हूँ, माइनस आयोटा पाई बाय थ्री ऐड कर दिया मैंने, ठीक है ये क्या बन जाएगा, आयोटा कॉमन ले लो, अंदर बनेगा पाई माइनस पाई बाय थ्री, ये क्या बन गया, टू इंटू में ई की पावर आयोटा, अच्छा पाई माइनस पाई बाय थ्री कितना हो गया, टू पाई बाय थ्री बन गया, देखो यही तो बनाना था। अब इससे तो तुम जा सकते हो आराम से इसमें अपने पोलर फॉर्मेट में, आर की वैल्यू टू है, थीटा की वैल्यू टू पाई बाय थ्री है, तो क्या हो जाएगा पोलर फॉर्मेट में, टू इंटू में कॉस टू पाई बाय थ्री प्लस में आयोटा साइन टू पाई बाय थ्री, ठीक है। अब मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट पता चल जाएंगे, ये तो मॉड्यूलस है, वैसे तो तुम्हें मॉड्यूलस यहाँ से भी दिख रहा था और आर्ग्यूमेंट यहाँ से भी दिख रहा था, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लो तुम्हें चेंज करके भी देखना है भाई, इसमें चले जाओ, इसमें तुम्हें दिख ही रहा है ये आर्ग्यूमेंट है और ये क्या है आपका मॉड्यूलस, ठीक है। अच्छा इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, ये तो हो गया आपका यूलर वाला यूज करके, दूसरे से कैसे करोगे, माइनस टू ई की पावर आयोटा माइनस पाई बाय थ्री, दूसरे से हम ऐसे करेंगे, देखो हम सिर्फ इतने पार्ट को चेंज करते हैं, e की पावर आयोटा थीटा तुम पढ़ के आयो, कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा होता होता है, तो यहाँ पे e की पावर आयोटा थीटा को मैं चेंज करके ऐसे लिख दूं क्या, कॉस ऑफ माइनस पाई बाय थ्री प्लस में आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई बाय थ्री, लिख सकती हूँ। माइनस पाई बाय थ्री, अच्छा ठीक है। अब भी दिक्कत है, हमने ये उस फॉर्मेट में तो बना लिया, आर कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, दिक्कत बताओ क्या है, इसको भेज दो अंदर भाई, और तो कुछ नहीं कर सकते, अंदर जब भेजोगे तो देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा, एक काम करो इसको थोड़ा ओपन ही कर लो पहले, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, यहाँ से क्या मिलेगा, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस आ जाएगा, अभी तक मैंने अंदर नहीं भेजा है, माइनस बाहर ही पड़ा है, मैं ये अंदर वाले माइनस सॉल्व कर रही हूँ, माइनस आयोटा साइन पाई बाय थ्री। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस माइनस को अंदर भेज दो, टू माइनस कोस ऑफ पाई बाय थ्री प्लस आयोटा साइन पाई बाय थ्री, लिख सकती हूँ, ठीक है। अब भी नहीं बना मेरा वो फॉर्मेट, ये वाला पाई माइनस पाई बाय थ्री, हाँ
अब आपको चेंज, ये देखो ये तो तुम्हारा दिमाग प्रैक्टिस से बनेगा, अब ये मत कहना कि मैं एकदम बता रही हूँ भाई हाँ जैसे बच्चे ने बताया है, ये प्रैक्टिस से बन जाएगा कि तुम्हें चेंज क्या करना है। तुम्हें ये दिख रहा है कि तुम्हें यहाँ तो चेंज करना नहीं, प्लस ही चाहिए तुम्हें यहाँ तो, ठीक है, और यहाँ तुम्हें ये माइनस गायब करना है। तो इसका सीधा सा एग्जांपल है भाई, कॉस के अंदर तो पाई माइनस पाई बाय थ्री कर दो, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, और साइन के अंदर ये चीज कुछ देगी नहीं क्योंकि 180 माइनस थीटा पॉजिटिव ही होता है। बताओ ये चीज सेम ही है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा यही आ जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है यही आ जाएगा। yes, ma'am. तो ये क्या हो गया, टू कॉस टू पाई बाय थ्री प्लस में आयोटा साइन टू पाई बाय थ्री, यहां से भी आपकी वैल्यू आर की टू ही आई है और आर्ग्यूमेंट की क्या आई है टू पाई बाय थ्री, यही आपकी पीछे आई थी जब आपने यूलर वाला यूज करके सॉल्व किया था। अब इजी कौन सा लग रहा है, पीछे वाला आसान था नहीं, ये वाला ज्यादा, ये देखो अभी तो खैर लेंथ सेम लग रही है बट ये वाला इजी रहता है। इसमें तो देखो सीधी सीधी ई की पावर्स ही आ जाएंगी तुम्हारी जिनको तुम्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन करा, एक और कर लो क्वेश्चन फिर छोड़ दूंगी तुम्हें, ठीक है, उससे तुम्हें यूं आइडिया हो जाएगा कि ई की पावर्स के साथ कैसे करना है। देखो मान लो तुम्हें इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, माइनस आयोटा साइन थ्री थीटा की पावर फाइव साइन साइन फाइव थीटा प्लस में आयोटा कोस फाइव थीटा इसकी पावर है फोर अपॉन में, मैंने बंद ही किया था बेटा माइक होना आपका, साइन फोर थीटा की पावर सिक्स। अब ये देखने में बहुत गंदा लग रहा है, ठीक है, कोई बता सकता है इसको कैसे करूंगी? अब इसको कॉस थीटा और साइन थीटा, देखो पावर फाइव है और पावर फोर है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इनको बायनॉमली स्प्लिट करके कर दें क्योंकि ऐसे में करेंगे तो सर दर्द हो जाएगा। हाँ बैठे भी रह जाएंगे, गलत निकलेगा आंसर 100%। हाँ तो मैं बायनॉमली कर सकते हैं, पावर फोर पावर फाइव पावर सिक्स नहीं, बायनॉमली नहीं, अभी जय अभी अभी यूलर फॉर्मेट बताया है, इसको चेंज कर सकते हो। सिर्फ ई में रह जाएगा, ऊपर वाली पावर ऐड हो जाएगी, नीचे वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक खाली ई में आंसर आ जाएगा, उसको फिर पोलर फॉर्मेट में दोबारा चेंज करके लिख देना। देखो इसको पोलर फॉर्मेट में लिखोगे कैसे, देखो बीच में माइनस है, इसको ऐसे लिखोगे ई की पावर माइनस आएगा, याद रखना बीच में माइनस होता है तो, और इसकी पावर क्या है फाइव, यही है ऐसे ही अगला कर लोगे। अंदर क्या लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ तुम्हें गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, देखो आयोटा कोस के साथ है, इधर कैसे करोगे, आपको इसको चेंज करके आयोटा साइन के साथ लाना पड़ेगा, तो तरीका तो एक ही है चेंज करने का, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो सेकंड वाले ब्रैकेट में, सीधा ही मैंने मुश्किल क्वेश्चन उठा लिया अब लग रहा है, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, देखो एक बार देखो डिवाइड वाला तो पड़े रहने दो, डिवाइड में मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जगह सच बताऊं मैं कुछ और अगर मेरी वाला काम करते तो मैं मारा जान नहीं हो जाता। क्या कर रहे हो आप भाई, जो कह रहे ना पिछले चैप्टर में आपने एक बायनोमियल वाला चैप्टर था, अरे बायनोमियल बायनोमियल वो सब क्योंकि सब कुछ प्रोडक्ट में तो आधे से ऊपर टर्म्स कटती चली जाएंगी, माइनस प्लस का वो झमेला है, ये सेम चीज नहीं है अभिजय, यहाँ आयोटा किसी और के साथ है, वहाँ आयोटा किसी और के साथ है, सेम तो है ही नहीं है, ब्रैकेट सेम नहीं है, वो जो कटने वाला सीन होता है वो तो ऐसे होता है ना कि सेम हो और एक बीच में प्लस हो और एक बीच में माइनस हो, समझ रहे हो, वहां आयोटा साइन थ्री थीटा के साथ और इधर आयोटा कोस फाइव थीटा के साथ, तो डिफरेंट आएंगे टर्म्स, समझे समझे बात, बिग ब्रेन, आपने बिग ब्रेन यूज किया क्वेश्चन को मुश्किल बनाने के लिए। अच्छा करके देख लो आप एक बार बायनोमियल से करके देख लो, अभी 10 मिनट में तुम कर दो तो, 10 नहीं ज्यादा होंगे, 5 मिनट में तुम कर दो तो बताना, हम इतने हम अपना क्वेश्चन कर लेते हैं पूरा। ऑल द बेस्ट, मुझको बोल दीजिए बात, नीचे आयोटा से देखो बेटा मैंने यहाँ पर जो आपका फॉर्मेट होता है ना कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसी को तुम चेंज करके लिख दो ई की पावर आयोटा थीटा प्लस आयोटा थीटा, तो उसके लिए आपको साइन के आगे आयोटा चाहिए होता है, यहाँ पे साइन के आगे आयोटा नहीं है, तो मैंने क्या किया ये फॉर्मेट बनाने के लिए मैंने ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, डायरेक्ट लिख दूं मैं, यहाँ पर तो आयोटा आ जाएगा और इसकी जगह आयोटा इनटू आयोटा माइनस वन आ जाएगा, तो माइनस कॉस फाइव थीटा प्लस में आयोटा साइन फाइव थीटा यही बनेगा, उसकी पावर है फोर, एक बात बताओ यहाँ से ऊपर से माइनस अब कॉमन ले लूंगी तो कोई फर्क पड़ता है क्या, पावर तो फोर रहनी है इवन है, तो ये बन जाएगा आयोटा साइन
5 थीटा और नीचे आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1 ही होता है. तो बेसिकली ये जो चीज है ये आपकी इसमें कन्वर्ट होगी 5 थीटा माइनस आयोटा साइन 5 थीटा. अब इसको आप यूलर फॉर्मेट यूज करके लिख सकते हो e की पावर माइनस आयोटा 5 थीटा की पावर 4 लिख सकते हो. कॉमन लेंगे तो r की वैल्यू तो माइनस 1 हो जाएगी. किसमें बेटा? नहीं पावर 4 है ना, इवन पावर है, वो माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. r की वैल्यू माइनस नहीं हो जाएगी फिर? वही तो कह रही हूँ ना, कैसे हो जाएगी माइनस? आप माइनस कॉमन ले लो, चलो माइनस 1 कॉमन आपने लिया, अंदर बच गया कॉस 5 थीटा माइनस आयोटा साइन 5 थीटा, इसकी पावर 4, इसकी भी तो पावर 4 होगी ना, तो 1 ही बन जाना है फिर. यस ठीक है मैम, बाइनोमियल से आधा आधा आंसर आ गया, आधा और ला रो मैम. बात है वो करेक्ट आएगा कि नहीं है, नीचे वाला भी कर लोगे इसी तरीके से? मुझे कह रहे हो या फिर बच्चों को कह रहे हो? बच्चों से पूछो, नीचे वाला चेंज करना है, ये थोड़ा लंबा जा रहा है क्वेश्चन. नीचे वाला चेंज कर लो कि नीचे वाला देखो डायरेक्ट ही चेंज हो जाना है. ये तो सीधे सीधी वैल्यू है e की पावर आयोटा 4 थीटा की, उसकी पावर दे रखी है आपको 6. ठीक है मैम, माइनस होगा ना? माइनस आएगा, माइनस आएगा. ठीक है अब देखो इसको लिख लो, अब तो डायरेक्ट हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा 15 थीटा प्लस में e की पावर माइनस आयोटा, ये मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया, ये अंदर क्या लिखा था मैंने 5 थीटा 20 हो गया, 20 थीटा अपॉन में ये कितना हो गया 24 थीटा, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे. ठीक है तो ऊपर वाली तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, कितना बनेगा ऊपर ऐड होके माइनस आयोटा 35 थीटा, नीचे से तुम ऊपर लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाना है 24 थीटा. अब फिर से मल्टीप्लीकेशन में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, लेकिन ऐड तो होंगी, अंदर तुम्हें माइनस दिख रहा है माइनस 35 थीटा प्लस 24 थीटा, ये कितना बन जाएगा मैम? e की पावर माइनस 2 आयोटा होगी ना? क्या गड़बड़ कर दी बेटा मैंने, यहां ऊपर वाले स्टेप में है जब 2 कहां होगी बेटा, ये 4 6 का 24 हो गया ना मैम, इसके नीचे, इसके नीचे e मल्टी e की पावर माइनस आयोटा 35 थीटा, ये तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया 15 थीटा प्लस 20 थीटा. ठीक है तो ये क्या बनेगा, हम यहाँ से ये देखो माइनस 35 थीटा प्लस 24 थीटा कितना हो गया e की पावर माइनस 11 e की पावर आयोटा माइनस 11 थीटा, यही बना माइनस आयोटा 11 थीटा. अब इसको लिख सकते हो, ये तो सिंपल सा आ गया e की पावर माइनस आयोटा 11 थीटा, कैसे लिखोगे, कोस 11 थीटा माइनस आयोटा साइन 11 थीटा, यही लिखोगे? यस मैम. और इस क्वेश्चन में आपको थीटा की वैल्यू दे रखी थी, ठीक है थीटा की वैल्यू क्या दे रखी थी, पाई बाय 6. तो आप पुट कर सकते हो थीटा की वैल्यू पाई बाय 6, क्या हो जाएगा कॉस 11 पाई बाय 6 माइनस आयोटा साइन 11 पाई बाय 6. अब ये तुम सॉल्व करना जानते हो, 11 पाई बाय 6 को कैसे सॉल्व करोगे, 2 पाई माइनस करके लिख दो, 2 पाई माइनस कितना हो जाएगा 5 बाय 6, 360 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, यहाँ पर भी ऐसे लिख दो. अच्छा ये प्लस हो जाएगा, चलो एक बार मैं ब्रेक करके लिख देती हूँ. ठीक है ये तो एज इट इज रहना है, कोस पाई बाय 6, यहाँ पे क्या होएगा साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा, ये बन गया आपका क्वेश्चन, अभी जो हमारा हो गया इसमें. अच्छा इसमें इसको फर्दर भी आप लिख सकते हो क्या, देखो पाई बाय 6 वैल्यू अच्छी होती है तो आपको इनकी वैल्यूज पता है, आयोटा बाय ये क्या है आपका आंसर. ठीक है थोड़ा सा मुश्किल हो गया, एंड में नहीं उठाना चाहिए था, ये कल ही उठाना चाहिए था, पर कोई नहीं. अब एक बात बताओ इसमें किसी को डाउट है? नो मैम. क्या क्या पूछ रहा बेटा, एक प्रॉब्लम पूछ रहा बच्चा बेटा, आवाज नहीं, नो डाउट नो डाउट. अच्छा तुम एक क्वेश्चन लिख लो फिर एक बार, करके आना इसी मेथड से, इसको यूलर फॉर्मेट में करके देखना, नहीं तो ये बहुत बड़ा पड़ जाएगा. z दे रखा है आपको 1 प्लस रूट 3 आयोटा, मुश्किल है, आसान है, मुश्किल है, पर जो अभी किया है ना उससे तो इजी है, 1 माइनस आयोटा की पावर 16.